आज हिंदू धर्म खतरे में जान रख लेना, अपन सब लोगों को एकता का परिचय देना है, एकता का परिचय देना है। और अभी जो दुश्मन है ना, तो पहला दुश्मन ईसाई है। ये वनवासी क्षेत्रों में जाकर के चर्च के नाम से सेंट पॉल इमानुअल मिशन स्कूल, ये जितना इनका स्टाफ है, ये सब गरीबों में जाकर धर्मांतरण का काम करते हैं। भारत के अंदर मदर टेरेसा ने हजारों लोगों को धर्मांतरित करके ईसाई बना दिया। भारत के अंदर 3 लाख इनके पादरी है, सिस्टम है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, ये घूम घूम करके धर्मांतरित करते हैं। पहला दुश्मन कौन है? ईसाइयत। दूसरा मुसलमान। 5 लाख मदरसे हैं इनके। कितने? 5 लाख। 3.5 लाख मस्जिदें हैं। इनका उद्देश्य है, इसके लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलना है। इसलिए गांव गांव में घूम घूम करके बच्चों को भड़काने का काम इनके मुल्ला मौलवी करते हैं। हर हिंदू के घर में हथियार पहुंचे, इसके लिए शस्त्र पूजन है। हर हिंदू के घर में हथियार होना चाहिए। खोजने से क्या नहीं मिलता? लोग कहते हैं भाई साहब त्रिशूल से क्या होगा, पिस्तौल दिलाओ, तोप दिलाओ। लड़ाई झगड़े में पिस्तौल तोप कभी भी काम आती नहीं है। क्या काम आता है? घर में रखा हुआ बढ़िया लठ होता है ना, फावड़े का डंडा देखा है, गैती का डंडा देखा है? यदि उदयपुर के हर दुकान के अंदर होता ना, तो कन्हैया की गर्दन नहीं कटती। वो भागते ना तो दुकानदार उनकी टांगे तोड़ देता। लेकिन सोना चांदी, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, डबल बेड, बेटे बेटियां सबके पास स्कूटियां और मोटरसाइकिल है, बढ़िया बढ़िया। उसकी रक्षा के लिए 150-200 रुपए की कोई चीज है वो हमारे घर पे नहीं है। उन्होंने तो छतों के ऊपर भी पत्थर इकट्ठे करके रखे हैं कि हमारी छोटी बच्ची भी ऊपर से ईंट फेंकेगी, एक हिंदू का काम तमाम कर देगी, राम नाम उसका सत्य हो जाएगा और हमारे घर में कुछ नहीं है। हिटलर, नाम सुना हिटलर का? जर्मनी का शासक हिटलर, वो कहता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है हिंदू, और दूसरे नंबर पे कोई है तो वो है जर्मन। इसलिए वो अपनी महिलाओं को भारत में भेजता था, किस लिए? तुम हिंदुओं से गर्भ धारण करके आओ, ताकि हमारे यहां भी वीर, चरित्रवान, श्रेष्ठ ऐसे योद्धा पैदा हो सके, ऐसा हिटलर कहता था। तो हम सब लोग ऐसे पुण्य भूमि में पैदा हुए, ये हमारे ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है, असीम अनुकंपा है।